नमस्कार मित्रों, कंप्यूटर सिस्टम के सेकंड पार्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का मॉनिटर है? पहला है सीआरटी, दूसरा है एलसीडी, तीसरा है टीएफटी, चौथा है आल अबो। इसका आंसर आएगा डी, आल अबो। अगला प्रश्न, मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सेल क्या बनाता है? इसमें पहला है छोटे डॉट्स, दूसरा है डॉट पिच, तीसरा है ए और बी, चौथा है नन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, डीपीआई का विस्तृत रूप है। पहला है डॉट प्रति इंच, दूसरा है प्रति यूनिट एंड डॉट प्रिंट पर यूनिट टाइम, तीसरा है डॉट्स पर स्क्वायर इंच, चौथा है ओ एम आर। इसका आंसर आएगा डॉट पर इंच, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्थायी उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील और चैन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है। तीसरा है इंकजेट लेजर प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर का उदाहरण है। चौथा है हम्पर टेक्निकों का उपयोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर आएगा बी, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील एंड चैन प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्थायी उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील और चैन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है। तीसरा है इंकजेट लेजर प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर का उदाहरण है। चौथा है हम्पर टेक्निकों का उपयोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर आएगा बी, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील एंड चैन प्रिंटर है। नमस्कार मित्रों, कंप्यूटर सिस्टम के सेकंड पार्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है चित्र में खाली स्थान को भरें। इसमें पहला है स्पीकर, दूसरा है हार्ड ड्राइव, तीसरा है माउस, चौथा है मॉनिटर। इसका आंसर आएगा बी, हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? जिसमें पहला है चैन प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर, तीसरा है बोथ ए और बी और चौथा है नन ऑफ द अबो। इसका आंसर है सी, बोथ ए और बी। अगला प्रश्न, शाही की छोटी बूंदों के स्प्रे से कौन से प्रिंटर प्रिंट होते हैं, यानी कौन से प्रिंटर से प्रिंट होते हैं? पहला है लेजर जेट प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा है थर्मल प्रिंटर्स। इसका आंसर आएगा बी, इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है? जिसमें पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा है ड्रम प्रिंटर। इसका आंसर आएगा ए, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न, प्रिंटर हीट सेंसिटिव पेपर का उपयोग करता है, जो मुख्य रूप से एटीएम मशीन के लिए रसीद की छपाई के लिए किया जाता है। पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, तीसरा है ड्रम प्रिंटर, चौथा है चैन प्रिंटर। इसका आंसर आएगा बी, थर्मल प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, योजना, सर्किट आरेख आदि के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिसमें पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है फ्लोटर, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा सी, फ्लोटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कारतूस प्रिंटर से संबंधित है और ट्विन स्कैनर से संबंधित है, दूसरा हार्ड डिस्क उच्चतम क्षमता भंडारण उपकरण है, तीसरा 01 के समूह को बाइट और चौथा है आल द अबो। इसका आंसर आएगा आल द अबो, डी। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट के बराबर
1000 बाइट, 1024 बाइट, सी 8 × 1204 बाइट, डी 1024 × 1000 बाइट्स। इसका आंसर आएगा बी 1024 बाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है प्लॉटर, तीसरा है मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा है लेजर प्रिंटर। इसका आंसर आएगा बी प्लॉटर। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी या मेन मेमोरी, तीसरी है सेकेंडरी मेमोरी, चौथी है अबो ऑल। इसका आंसर आएगा डी अबो ऑल। अगला प्रश्न, कैश मेमोरी एक हार्ड डिस्क कैश मेमोरी एक हार्ड हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी है जो रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान के बीच काम करती है, पहला सीपीयू एंड मेन मेमोरी, दूसरा मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, चौथा है ऑल अबो। इसका आंसर आएगा ए सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडारण का एक उदाहरण है, पहला है फ्लैश मेमोरी यूएसबी ड्राइव, दूसरा है रैम रोम पीरोम, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क, चौथा है सीडी डीवीडी डीवीडी आरडब्ल्यू। इसका आंसर आएगा बी रैम रोम पीरोम। प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी है जिसमें पहला है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है सीडी डीवीडी, तीसरा है पेन ड्राइव मेमोरी, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें, पहला है रैम एक अस्थिर मेमोरी है जबकि रोम गैर वाष्पशील मेमोरी है, दूसरा है एस रैम को बार बार ताज़ा करने की आवश्यकता होती है, चौथा एस रैम डी रैम एस डी रैम डी डी आर रैम आर टाइप ऑफ रैम यानी रैम के प्रकार हैं, चौथा है पी रोम ई पी रोम आर द टाइप ऑफ रोम। इसका आंसर आएगा बी एस रैम को बार बार ताज़ा करने की आवश्यकता होती है, मीन्स रेफरेंस रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, डिजिटल कैमरा MP3 MP4 में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, पहला कैश मेमोरी, दूसरा फ्लैश मेमोरी, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क और चौथा ऑल अबो। इसका आंसर आएगा बी फ्लैश मेमोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन द्वितीयक स्मृति के संदर्भ में सही है, पहला इनका उपयोग ऑप्टिकल और चुंबकीय के रूप में किया जाता है, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सीडी डीवीडी इसके उदाहरण है, ये प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमे होते हैं और डेटा संग्रहित स्थायी रूप से होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। स्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला 1 TB = 1000 GB, 1 GB = 1 million DB, तीसरा 1 byte = 8 bit, चौथा ऑल ऑफ द अबो। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। मित्रों एक बार फिर रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर में, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद में उसी के जस्ट बराबर में बेल का चिन्ह दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आगे और भी वीडियो जाएंगे जो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आपकी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण नहीं है, पहला है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है CDR CDRW, तीसरा है DVD DVDR DVDRW, चौथा है ब्लू रे डिस्क। इसका आंसर है ए
हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता 650 MB से 900 MB है। दूसरा है एक DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक है। तीसरा है बिट मैप की सबसे छोटी इकाई है। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? पहला है स्पीकर, दूसरा हार्ड ड्राइव, तीसरा है माउस, चौथा है मॉनिटर। इसका आंसर आएगा हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न, एक अतिरिक्त क्षमता उच्च घनत्व ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें 50 GB से 500 GB तक की भंडारण क्षमता है। पहला है ब्लूरे डिस्क, दूसरा है DVD-RW, तीसरा है DVD-RDL, चौथा है नॉन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ए, ब्लूरे डिस्क। अगला प्रश्न, चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। पहला है हार्ड ड्राइव, दूसरा है DVD, तीसरा है रोम, चौथा है रैम। इसका आंसर आएगा बी, DVD। अगला प्रश्न, बाह्य स्मृति निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, दूसरा है मेमोरी कैपेसिटी, तीसरा है SD कार्ड, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर हैं? पहला है 63, दूसरा है 128, तीसरा है 256, चौथा है 512। आंसर आएगा इसका ए, 63। डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं? पहला है 128, दूसरा है 256, तीसरा है 512, चौथा है 1024। आंसर आएगा 512, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वाष्पशील मेमोरी है जिसमें पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है पीरोम, चौथा है ईपीरोम। इसका आंसर आएगा ए, रैम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है? पहला है CPU स्पेसिफिकेशन, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है HDD, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, बूट सेक्टर हैं हार्ड डिस्क, बायोस, रैम और रोम। इसका आंसर आएगा ए, इन द हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न, डिवाइस के स्टोरेज डिवाइस में कोई मूविंग बॉडी नहीं है। पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है सॉलिड स्टेट। इसका आंसर आएगा डी, सॉलिड स्टेट। अगला प्रश्न, डिस्क का पहला सेक्टर किस नाम से जाना जाता है? पहला है नल, दूसरा है डेडलॉक, तीसरा है मास्टर बूट रिकॉर्ड, चौथा है नन ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में क्या शामिल है? पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा है मेमोरी डिवाइस, तीसरा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए हम फिर वापस रिपीट कर रहे हैं, नीचे बॉटम में
रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे राइट साइड में बेल का चिन्ह दिखाई देगा, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, आगे हम कंप्यूटर जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।